बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे पास जो असाइनमेंट है वो है CS 601, इसकी असाइनमेंट नंबर एक, इसका सलूशन लेकर हाजिर हूँ। ये स्प्रिंग 2021 की असाइनमेंट है। अब इसमें आप लोगों ने ये करना है कि आपने बताना है कि कौन सा मैश है, यानी कि कौन सी टोपोलॉजी है, ये तमाम चीज़ें आपने बतानी है। तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चल जाऊं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और साथ मेरे लिए कुछ दुआ भी करें। असाइनमेंट में पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सपोज ए कंपनी हैज़ टू डिफरेंट नेटवर्क्स अंडर इट्स HR, यानी कि एक कंपनी हमारे पास उसके दो मुख्तलिफ नेटवर्क हैं, एक उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है और दूसरा उसका HR में है। और जो HR में है उसके आगे 10 कंप्यूटर कनेक्ट किए गए हैं जो एक दूसरे के साथ सेपरेट तौर पर लिंक किया गया है, जबकि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें 15 कंप्यूटर कनेक्ट किए गए हैं जो एक के सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट हैं। तो हमने क्या करना है, बोथ डिपार्टमेंट्स मेक फ्रीक्वेंट इंट्रा डिपार्टमेंट एंड इंटर डिपार्टमेंट एक्सचेंज ऑफ डाटा ऑन द डेली। तो हमने क्या करना है, कंसीडर द अबव सिनेरियो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहले तो ये है कि टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन HR डिपार्टमेंट, जो HR डिपार्टमेंट है उसमें कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इसका जवाब बनता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी कैसे बनता है कि HR में वो क्या कहता है कि 10 कंप्यूटर हैं वो एक दूसरे के साथ सेपरेट तरीके से कनेक्ट किए गए हैं, सेपरेट तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हैं, तो इसमें जो मैश टोपोलॉजी इस्तेमाल होगी। दूसरी बात यह है कि टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो एक हब के साथ कनेक्ट है, तमाम कंप्यूटर जो 15 हैं चाहे 20 हैं चाहे जितने भी हैं वो एक हब के साथ है। तो हब में क्या होता है कि ये स्टार बन जाती है, इसमें तमाम कनेक्शन एक ही जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पर ये स्टार टोपोलॉजी आ जाएगी। बट वुड बी द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लिंक्स फॉर द नेटवर्क इन HR डिपार्टमेंट, जो HR डिपार्टमेंट है उसमें कितने लिंक बनेंगे, तो इसमें लिंक निकालने का फार्मूला हमारे पास है n(n-1)/2। तो यहाँ पर नंबर कितने हैं, 10 है, तो 10 × 10−1 कितने बन गए, 9, तो 10 × 9 90, 90 को 2 पर तकसीम करें तो कितना बनता है, 45 बनता है। यहाँ पर जो n है वो कंप्यूटर्स की तादाद है। विच ऑफ दीज नेटवर्क्स विल बी फास्टर, तो इनमें सबसे ज़्यादा तेज़ जो निज़ाम है वो कौन सा है, एफिशिएंट भी है और रिलायबल भी है, तेज़ तरीन भी है और उसकी कारकर्दगी भी ज़्यादा है और काबिल एतमाद भी ज़्यादा है, तो वो कौन सा है, तो ये मैश टोपोलॉजी बनता है क्योंकि हर एक का लिंक अलहदा था कुरेक्ट किया गया है। इसके बाद है विच ऑफ द नेटवर्क विल बी मोर कास्ट इफेक्टिव, अब जो कीमत के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा मुतासर तरीन है वो कौन सा बनता है, स्टार टोपोलॉजी बनता है। अब हमारे पास इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स 3 कॉलम्स, एक हमारे पास टेबल है उसमें 3 कॉलम है, OSI लेयर कॉलम रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ OSI लेयर, फीचर कॉलम रिप्रेजेंट सेम इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद OSI लेयर्स, हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द कॉलम फीचर माइट नॉट बी करेक्टली मैप्ड टू इट्स कोरेस्पोंडिंग लेयर इन द कॉलम OSI लेयर। तो हमें क्या चाहिए, यू आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली एनालाइज, आपने क्या करना है, एनालाइज करना है एहतियात के साथ बोथ कॉलम दोनों कॉलम को, एंड प्लेस द करेक्ट फीचर अगेंस्ट इट्स एसोसिएटेड OSI लेयर इन द कॉलम करेक्ट।
तो तीसरे जो कॉलम है उसमें इसका हमने जवाब लिखना है जो इसका मुनासिब बनता है OSLR के मुताबिक। अब OSLR प्रेजेंटेशन लेयर, तो इसमें ये इसका फीचर कौन सा आता है, नेटवर्क मीडियम, फिजिकल एड्रेस, इंटरनेट ब्राउज़र, रूटर या इंक्रिप्शन। फीचर इसके ये लिखे हुए हैं। इसमें प्रेजेंटेशन जो है लेयर इसका जो कौन सा बनता है, इंक्रिप्शन बनता है। तो इसका करेक्ट जो मैपिंग बनती है इसकी वो इंक्रिप्शन बनती है। इसके बाद है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन इसका कौन सा बनता है, इंटरनेट ब्राउज़र बनता है। फिजिकल लेयर कौन सा बनता है, नेटवर्क मीडिया बनता है। नेटवर्क मीडिया जैसे कि ये केबल हो गई या डिवाइस हो गई, ये तमाम इसमें आती हैं। इसके बाद है डाटा लिंक। डाटा लिंक के लिए फिजिकल एड्रेस आता है। और नेटवर्क लेयर के लिए रूटर आ जाता है। तो ये इसके साथ कॉलम ए को आपने क्या करना है, कॉलम बी के साथ मैच करना है और इसका जवाब आपने सी में लिखना है जो इसका करेक्ट मुनासिब जवाब है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह मैं जैसे मुमकिन हुआ जल्द से जल्द इसकी सॉल्यूशन फाइल वर्ड में अपलोड कर दूंगा। अगर किसी दोस्त को अर्जेंट फाइल चाहिए तो वो मुझे मेल कर सकता है। मेल मैं इंशाल्लाह वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका भेज दूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।